कुछ ऐसा लोगो है जेनेसिस का, यहाँ पे विंग्स वाला डिजाइन है। और सबसे पहले अगर क्रोम ग्रिल की बात करोगे तो क्या सही ग्रिल लग रहा है? अगर पार्किंग में आपको कार नहीं मिले तो बटन को दबा के रखो, कार हॉन्क करेगी कुछ इस तरीके से। ये है रिमोट स्टार्ट, और लास्ट बटन जो ये वाला है ये है फ्लैश के लिए, अगर लाइट्स को फ्लैश करवाना चाहते हो। यहाँ पे नीचे अगर आ जाए तो आपको ऑन ऑफ बटन, ये है आपका वॉल्यूम की ट्यूनिंग के लिए, और सिंगल बटन्स है। अगर आप रेडियो पे जाना चाहते हो तो ये बटन दबाओ, सीधा रेडियो वाला जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो जो लेग स्पेस है वो अच्छा है, मैंने सीट को थोड़ा आगे पुश कर दिया, बट अगर आप 5'10" से भी ऊपर हो तो शायद थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइट होगा, बट उतना ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए नहीं रहेगा। तो बहुत ही परफेक्ट कार है, खुदी चल रही है, देखो हाथ इधर है, जब मैंने टेस्ला ली थी तो इसीलिए ली थी क्योंकि ऑटो पायलट था, ऑटो पायलट जेनेसिस में भी मिलता है, क्या कह सकते हैं।